वो सिर्फ फाइल थोड़ी गायब है, वो तो सब चीजें गायब है, रोजगार गायब है, किसान का मतलब जो सही रेट मिलना था वो गायब है, ढोकलाम गायब हो गया। ये तो इस सरकार का काम ही है गायब करना। द पॉइंट इज दैट इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब एंड द कोर्ट्स जॉब टू गिव जस्टिस, राइट? वी आर जस्ट सेइंग गिव जस्टिस टू एवरीबॉडी। अब न्याय की बात कर रहे हैं तो सबको दीजिए। क्लियर कट वहां पे प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, फाइल में लिखा है पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस, तो उसका भी, उसकी भी इंक्वायरी कीजिए, उसके बारे में मतलब क्या कंफ्यूजन है। उसी फाइल में लिखा है और हमने आपको कागज दिखाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ट किया है। हमारी डील में राफेल पहले आता। हम अगर आप कागज देखना चाहते, मैंने दिखाया है, हम आपको फिर से दिखा देंगे, रणदीप जी आज दिखा देना, जहां साफ लिखा है, निगोशिएशन टीम ने लिखा है कि राफेल का हवाई जहाज इस डील में बाद में आएगा। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता, राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे, रियलिटी तो ये है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे, आप मोदी जी को भी दिखा देना। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको जिस पे कार्रवाई करनी है आप कीजिए, वो तो ओपन सीजन है, कीजिए, आपकी सरकार है, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 1:30 बजे रात को सीबीआई चीफ को हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया, प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले, डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब कागजों में लिखा है, परिकर जी ने अपना मतलब क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं, ऑडियो टेप है, आपको सुनाई है मैंने, उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे मतलब गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके पास फाइल कैसे पड़ी है, करिए, सब पे कीजिए, बट प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। हाँ एक्चुअली एक्चुअली कनेक्शन डायरेक्ट है, वो सच सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। देखिए वो जो रियलिटी है, पैसा कहाँ गया है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा, बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में निगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल निगोशिएशन, वो पैरेलल निगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है, उसका कोई कारण होगा ना, नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम, जो निगोशिएशन टीम है अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे, आप उसमें दखल क्यों डाल रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो है, और कारण यह है कि आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहते थे, और वो सिर्फ आप अनिल अंबानी को नहीं देना चाहते थे, उससे आपका भी फायदा होगा। अरे भाई अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पे हम एफआईआर लगाएंगे, तो फिर इस पे आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ उसमें तो साफ लिखा है ना, उसमें जब आप पीएमओ यूज करते हैं, पीएमओ का मतलब क्या? पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इट्स अ केस, ब्लेटेंट केस ऑफ करप्शन, इट इज रिटन देयर क्लियरली दैट द प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ डज नॉट मीन पीएमओ, पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इन डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल्स इज क्लियरली रिटन दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट पैरेलल निगोशिएशन, सो व्हाई शुड देयर नॉट बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? व्हाई इज द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? हिंदुस्तान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सब पे हो सकता है जो पीएम का विरोध विरोध करते हैं, मगर क्रिमिनल
क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता एक्चुअली. नहीं नहीं आई टेल यू एक्चुअली, अगर आप देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, हमारे अलायंसेस सेट हैं. दिल्ली में हमारी जो पार्टी है वो अलायंस यूनानिमसली अलायंस के अगेंस्ट है, बट ओवरऑल हमारे अलायंसेस ट्रैक पे हैं. देखिए मेरा मेन कहना है कि क्लियर, पहले आप सबने कहा कि राफेल में कुछ नहीं है, आपने कहा था. आस्ते आस्ते हमने आपको दिखाया कि राफेल में घोटाला हुआ है और एंड में हिंदू अखबार ने क्लियरली दिखाया है कि राफेल में प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज कैरिंग आउट negotiations, उसमें इंडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर शुड डू द negotiations, हमें परे कर दो, वो लिखा है वहां पे. तो ये क्लियर कट केस है. अब ये भी है कि राफेल हवाई जहाज का दाम बढ़ाया गया है, वो भी उस कागज में लिखा है. ये भी है कि राफेल की डिलीवरी शेड्यूल डिले की गई है, वो भी उसमें लिखा है. तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है. मुझे नहीं समझ आ रही बात, प्रधानमंत्री स्वयं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गिल्टी, देन व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर सिंह मैं कर रहा हूं, वो स्वयं क्यों नहीं कह रहे कि हां भैया मैं नहीं डरता किसी से, मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हमने जब जेपीसी की मांग की उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? अरुण जेटली के साथ इंगेजमेंट हुआ मेरा, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी भाषण, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, मैंने कहा भैया जेपीसी करा दीजिए. आपने देखा ना कि जेपीसी कराने से भाग गए. तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं ये क्यों नहीं कहते भैया कराओ इन्वेस्टिगेशन, मैं देश का चौकीदार हूं, मैंने चोरी नहीं की है, कराओ इन्वेस्टिगेशन. ये देखिए कल मैंने अखबार में पढ़ा कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनकी फैमिलीज ने ये मांग उठाई है. अब उनकी फीलिंग है और कांग्रेस के लोगों ने इस पे मतलब जो चर्चा करनी थी कर दी, मैं इस पे मतलब ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं. बट ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ. नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, हम गए थे और वो पठानकोट में हमने बुलाया था उनको. वो कौन आए थे? वो पठानकोट में वो कौन आए थे? वो क्या नाम है उनका? आईएसआई. तो प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट आईएसआई टू इन्वेस्टिगेट पठानकोट. प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मिस्टर नवाज शरीफ वेडिंग एंड वी आर द पोस्टर बॉयज, ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान, हगिंग मिस्टर नवाज शरीफ, कॉलिंग मिस्टर नवाज शरीफ टू हिज स्वेरिंग इन ओवर हियर, डूइंग अ बिग ड्रामा. The fact of the matter is, that the issue here is corruption in Rafael, and it is very clear cut कि प्रधानमंत्री ने personally अनिल अंबानी को यह contract दिलवाया है 30,000 crore रुपए इसके जेब में डाले हैं. Last, हाँ. Oh, from here. नहीं भैया इनको थोड़ा स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा आज. वेल आई डोंट नो अबाउट, आई मीन दैट्स ए टेक्निकल क्वेश्चन एंड आई एम श्योर देर आर मेनी थिंग्स दैट क्रॉस द लाइन ऑफ सीक्रेसी. सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन वेदर वी शुड गेट रिड ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इन अ फोरम लाइक दिस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिटेल थिंकिंग अबाउट इट. बट आई वुड लाइक टू कमेंट दैट यू आर बीइंग पनिश्ड बिकॉज यू आर ब्रेव. That's why you're being punished. And I'm very proud that you have the guts to stand against Mr. Narendra Modi. Bhaiya, ye to iska jawab to de diya maine. Agar aap documentation chahte hain, ek second. Agar aap documentation chahte hain, Randeep ji ke paas documentation hai jisme saaf likha hai ki Prime Minister ki nayi deal ne Rafael hawai jahaz ko Hindustan mein lane ke liye delay kiya hai. Wo hum aapko de denge. Thank you very much.